हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिम्प्लीफाइड सिविल सर्विसेज आज 14 फरवरी को टोटल चार आर्टिकल डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे क्यों स्टेगनेंट है इसके तीन रीज़न की बात करेंगे तीनों रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीज़न थोड़े यूनिक हैं जो हम इकोनॉमिक रीज़न पढ़ते हैं उससे अलग हैं इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके मेन्स में लिख सकते हैं ऐसे में लिख सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाई इन स्काई अ न्यू जेन आई इस आर्टिकल में हम एक न्यू जनरेशन अनमेंड एरियल व्हीकल के बारे में बात करेंगे जिसे एच ए पी एस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल भी कहा जा रहा है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एम एस पी इश्यू वार्ड गवर्नमेंट कमेटी सेटअप इन दो हज़ार बाईस हैज़ डन सो फार हम दो हज़ार बाईस में जो कमेटी बनाई गई थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा उसकी बात करेंगे कौन सी कमेटी बनाई गई थी और उसका क्या मैंडेट है ये टी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपको कमेटी का नाम पूछ सकते हैं नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है वॉट डेट ट्रम्प से अबाउट नाटो फंडिंग एंड वॉट इज़ आर्टिकल फाइव नाटो के बारे में बात करेंगे आर्टिकल फाइव के बारे में बात करेंगे प्रिलम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाटो काफ़ी समय से न्यूज़ में अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी मोर में क्लिक करिएगा या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई इंडिया नीड डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन यह आर्टिकल द हिंदू में आया है जी एस थ्री इकॉनमी मेन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स होंगे जिसे मैं हाईलाइट करूँगा जो आपको प्री में पूछे जा सकते हैं ऐसे के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड सिमिलरली आपको जी एस थ्री इकोनमी में भी क्वेश्चन आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टेग्नेट होने के रीजन्स पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं इसमें तीन ऐसे रीजन्स दिए हैं जो डीप रूटेड रीजन है और मेन uh, कॉज है इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलप ना होने के ये तीनों रीजन इकोनॉमिक रीज़न नहीं है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और यूनिक हैं इसलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं जब भी इंडस्ट्रियल uh, सेक्टर uh, से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसके फेल होने से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये रीजंस लिख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है इंडिया के सोशल ऑर्डर के कारण भी जो है uh, ये चीज़ें हुई हैं मैनुफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है डिटेल में पढ़ेंगे रीज़न सबसे सब पहले इंडिया को डीप इंडस्ट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है पहला है इन इक्वालिटी इंक्रीजेज़ ड्यू टू एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ ठीक कोविड नाइन्टीन के बाद से हम लोग अलग अलग तरीके से अपना इकोनॉमिक फ्यूचर देख रहे हैं हर कंट्री को देखें तो हर कंट्री की पॉलिसीज़ डिफरेंट है जब से कोविड नाइन्टीन हुआ है कोविड नाइन्टीन के बाद से सारी कंट्रीज़ सोच रही है कि जो इंटर डिपेंडेंस है दूसरी कंट्री के ऊपर वो इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो पूरे तरीके से सारे सेक्टर इकॉनमी पूरी रुक जाए इसलिए हर कंट्री सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रही है और इसलिए ग्लोबलाइजेशन अब रिट्रीट कर रहा है जो स्टेट इंटरवेंशन है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं आप इंडिया की ही बात कर लीजिए आत्मनिर्भर भारत को देख लो इंडिया सेल्फ सफिशेंट बनना चाहता है यूएस की बात कर लें अमेरिका फर्स्ट जैसे पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसके अलावा यूरोपियन ग्रीन डील की बात कर लें ये सारे ऐसे स्टेट इंटरवेंशन है ये यूरोपियन ग्रीन डील इम्पॉटेंट है यार ये प्री के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्री में पूछी जा सकती है तो ये सब पॉलिसीज़ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में है जो इंटर डिपेंडेंस को कम कर रही है इंटर कनेक्टिडनेस को कंट्रीज़ के बीच में कम कर रही है ठीक तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्री मिच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया ने पैंडमिक के बाद ग्रो तो किया है लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो के शेप रिकवरी है बहुत माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं और जो हाई ग्रोथ है उसके बेनिफिट्स को रीप कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स को उठा रहे हैं लेकिन मेजॉरिटी लोगों को देखा जाए तो वो हाई इन्फ्लेशन ऑफ़ फ़्रूट्स एंड वेजिटेबल से जूझ रहे हैं तो जो प्री एग्जिस्टिंग इनिक्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरा अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो स्टेगनेंट है 20% परसेंट से कभी ज़्यादा नहीं हो पाया है आउटपुट में बात कर लें या एम्प्लॉयमेंट में बात कर लें इसके अलावा हम लोग मेजॉरिटी किस पे रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर में रिलाय करते हैं लगभग 45 से 50 परसेंट जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर में लगी हुई है इसलिए हमें कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है जबकि इसका आउटपुट देखोगे तो कितना है 16 से 17 परसेंट ठीक और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा भी गया था मेरे मित्र से कि इंडिया को क्यों एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश कहा जाता है ठीक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है अगर ये सारी चीज़ों को डील करना है तो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना ही होगा एक तो इनईक्वालिटी और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वाले जो चीज़ें हैं उसको अगर हमें एड्रेस करना है तो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा डीप इंडस्ट्रलाइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कहा गया है कि जो रघुराम जी हैं रघुराम राजन जी जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं एंड रोहित लांबा, उन्होंने एक अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव दिया है मतलब जो कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव है उससे बियॉन्ड ये पर्सपेक्टिव है उन्होंने कहा है कि इंडिया को जो है आ, फोकस करना चाहिए सर्विस ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर हाई स्किल सर्विस ड्रिवन ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ पे इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए ये सेक्टर उतना ग्रो नहीं हो पाएगा इंडिया के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा इसका मतलब जो कन्वेंशनल विजडम है वो क्या है आप मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद जो है आपका सर्विस सेक्टर इस बेस पर स्ट्रांग होता है ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मैनुफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप कर सकते हैं जो कि रिवर्सल ऑफ क्लासिकल विजडम है अगर इंडिया ये सारी चीज़ें करता है तो इंडिया को काफ़ी सारे इश्यूज झेलना पड़ सकता है और बेसिकली जो अनकन्वेंशनल विजडम है उसके बारे में इन्होंने रीज़न दिया है कि ये सही नहीं है इंडिया के लिए क्यों नहीं है पहला रीज़न क्या है प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ इस पुअर इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सर्विस लेड ग्रोथ की बड़ी कम होती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है जीडीपी के साथ एम्प्लॉयमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है ये चीज़ें मेजर किससे की जाती है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी से जी बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होगी हाई जी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होगी कम तो इंडिया ऑलरेडी ये चीज़ें फेस कर चुका है देख चुका है एक्सपीरियंस कर चुका है इंडिया का ड्रीम रन 2003 से 2008 जीडीपी 9 जी परसेंट दस परसेंट तक पहुंची थी लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इस पीरियड को हम जॉबलेस ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं ठीक इसमें जॉब्स इतनी ज़्यादा जनरेट ही नहीं हुई थी क्योंकि ये जो ग्रोथ थी वो सर्विस लेड ग्रोथ थी इसके दो नेगेटिव इम्प्लीकेशन हुए क्या इम्प्लीकेशन हुए जो जनरल विजडम है जो जनरल कन्वेंशन विजडम है वो क्या है सबसे पहले एग्री कल्चर सेक्टर डेवलप होता है फिर मैनुफैक्चरिंग होता है और उसके बाद सर्विस होता है इंडिया में क्या हुआ एग्रीकल्चर हुआ थोड़ा डेवलप उसके बाद सर्विस सेक्टर मेनली डेवलप हो गया अगर आप सर्विस सेक्टर का शेयर देखोगे तो वो कितना परसेंट है 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट आउटपुट में जीडीपी का शेयर है बाकी 25 परसेंट पंद्रह परसेंट ठीक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ प्रॉब्लम क्या आ जाती है सर्विस सेक्टर हाई स्किल्ड सेक्टर है और एग्रीकल्चर अनस्किल्ड है तो यहाँ पर पचास परसेंट लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर रिलाई कर रहे हैं अब इनको तुरंत हाई स्किल प्रोवाइड करके शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता सर्विस सेक्टर में इन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एब्जॉर्व किया जा सकता था वहाँ पर उतनी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में है और इसलिए इंडिया को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है क्योंकि हमारा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर क्या है डेवलप नहीं हो पाए तो ये जो कन्वेंशन है ये इंडिया के लिए सही नहीं है जो अनकन्वेन्शनल विजडम है ये इंडिया के लिए सही नहीं है जो रघुराम राजन जी ने कहा है ये उसका पहला रीजन है दूसरा क्या है सर्विस सेक्टर के लिए आपको हाई स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए वो भी तो नहीं है इंडिया के पास जो नई नई टे, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है एआई हो गया डीप फेक हो गया चैट जीपीटी हो गया इंडिया कहां कर रहा है कुछ है ना कर रहा है कोशिश कर रहा है लेकिन इतना इनोवेशन भी नहीं हो रहा है तो अपने यहाँ इतने ज़्यादा हाई स्किल्ड लेबर भी नहीं है आपके पास लेबर ज़रूर हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा स्किल नहीं है है ना जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो एजुकेटेड की निकल रही है वो नॉर्मल कॉलेज से निकल रही है और नॉर्मल कॉलेज में इतना ज़्यादा जो है आपको एडवांस uh, एजुकेशन दिया भी नहीं जा रहा है कुछ माइनॉरिटी एलाइट्स हैं जिन्हें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है लेकिन वो सफिशेंट नहीं है इस सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ को अकेले जो है ड्राइव uh, करने के लिए इसलिए इंडिया को लेबर फोर्स की भी ज़रूरत है इसलिए सर्विस लेड जो ग्रोथ है इंडिया को जो इंडिया जो रघुराम राजन जी कह रहे हैं उसको इंडिया को नहीं करना चाहिए ये मेन इसके रीज़न है इसके अलावा थर्ड बहुत बड़ा रीज़न है इनिक्वालिटी यार सर्विस सेक्टर में आप जॉब करोगे बहुत पैसा मिलता है एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में आ गए तो मतलब पता नहीं कितना जो है पैसा डबल ट्रिपल चौपल हो जाना है लेकिन इससे जो इनिक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सर्विस सेक्टर में लोग आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मेजोरिटी लोग हैं इनके बीच में डिफरेंस अगर आप देखोगे इनकम का बहुत ज़्यादा है और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर के बीच में देखें तो इनईक्वालिटी बहुत कम है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है डेवलप करना ही होगा क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इनक्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा यार सोशल क्योस होगा हैव और हैव नॉट की थ्योरी मार्क्स की पता है ना कुछ क्लास होगी जो बहुत ज़्यादा रिच होगी बाकी मेजोरिटी जो है पुअर होंगे और फिर ऐसे में क्लैशेस होते हैं ठीक ऐसे में क्यूर्स होता है क्राइम बढ़ता है सोसाइटी के लिए इनक्वालिटी कभी अच्छी नहीं होती है तो इस, इस इन इन कारणों से जो कन्वेंशनल विजडम है उसी को फॉलो करना चाहिए और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को ही डेवलप करना चाहिए नेक्स्ट रीज़न क्या है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट थे वो अर्ली इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोले गए जो हायर एजुकेशन देने में लगे थे जिसके कारण जो मास स्कूल एजुकेशन है उसे अबंडन कर दिया गया उसे छोड़ दिया गया चूँकि मास एजुकेशन छोड़ दिया गया तो रूरल एरिया में एजुकेशन सब लोगों को नहीं मिला स्कूल एजुकेशन अगर वहाँ मिला होता तो वहाँ पर एंटरप्रेनरशिप डेवलप हुई होती अब चाइना की बात करें चाइना में रूरल लेड डेवलपमेंट है एंटरप्रेनरशिप रूरल एरिया से ही शुरू हुई है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मास एजुकेशन ये जो एलाइट थे जो हायर एजुकेशन ले पा रहे थे इन्होंने आईटी रिवॉल्यूशन तो ज़रूर किया लेकिन उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्टेग्नेंट हो गया और लोगों का एटीट्यूड भी बदल गया लोगों को लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करना बेकार चीज़ है करना है तो सर्विस सेक्टर में करो वहाँ पर पैसा बहुत है तो ये एटीट्यूडनल चेंज भी आया इसी कारण से और इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो हर परिवार की यही मानसिकता है कि एजुकेशन लो अच्छा हायर एजुकेशन दिलाओ कॉलेज ग्रेजुएट बनो और फिर बढ़िया आई कंपनी में काम करो ठीक तो ये आई कंपनी की जॉब को सुपीरियर मानते हैं बाकी जॉब्स को हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए भी अवॉइड हो चुका है ठीक तो ये हमारा सेकेंड रीजन हो जाएगा थर्ड रीजन क्या है द रिटर्न टू एजुकेशन डिफर अक्रॉस क्लासेस एंड सोशल ग्रुप अब हमने क्या कर लिया सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा मिलता है सारे पेरेंट्स लग गए अपने बच्चों को एजुकेशन देने में लेकिन रिटर्न टू एजुकेशन सारे अक्रॉस क्लासेस एंड सोशल ग्रुप अलग अलग देखने को मिलता है जो हमारा सोशल ऑर्डर है जैसे कि एस सी एस टी ओ बी सी और जनरल इसमें अगर आप देखेंगे तो रिटर्न भी इसी तरीके से मिल रहा है एस सी एस टी को रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है ओ बी सी और जनरल वालों को रिटर्न बेहतर मिल रहा है इसका रीज़न क्या है यार आप कहाँ पढ़ रहे हो ये भी तो मैटर करता है जो एलाइड क्लास जो हायर क्लासेस हैं उन लोग ने पब्लिक एजुकेशन को पूरा अबंडन कर चुका है आप कौन से स्कूल में जो है हाई इनकम uh, कमाने वाले के बच्चे जाते हैं आप ये देखेंगे और फिर आपको समझ में आएगा है ना तो पब्लिक एजुकेशन सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ते हैं एकदम डी हो गया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए उन्हीं में ये बच्चे क्या करेंगे एनरोल करेंगे तो इनको इनका जो एजुकेशन है वो डिफरेंट होगा आपका जो एजुकेशन है वो डिफरेंट होगा आप में कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं पब्लिक एजुकेशन लेते हैं तो है ना सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर शुरुआत से ही होती है और एक अलग आप देखते हैं एक अलग क्लास बन चुकी है इसमें भी ग्रेजुएट में भी मेजोरिटी ऑफ ग्रेजुएट निकल रहे हैं सब बी एस करके कर निकल रहे हैं अब इन स्किल तो आई नहीं है ग्रेजुएट हो चुके हैं हाई स्किल डेवलप नहीं हुए हैं और सर्विस सेक्टर में जॉब नहीं लग रही है एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट होता नहीं सब सर्विस सेक्टर में तो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हैं या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इग्नोर हो गया है क्यों क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इग्नोर करना चाहते हैं और जो जो सोशल ऑर्डर है वो अभी भी मेंटेन है जो गरीब आदमी होगा वो कहाँ पढ़ाएगा पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाएगा वो भी उतना अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन नहीं दे रहा है तो ये सारी चीज़ों के कारण जो है हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इग्नोर हुआ है कहीं ना कहीं जो कल्चर है इंडिया का वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पॉलिसीज रही है मास अबेंडनमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टराइजेशन के इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर का स्टेग्नेंट होने का ठीक तो लैक ऑफ मास एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है अगर हम लोग मास एजुकेशन देते तो इनोवेशन होता है ना इनोवेशन होता टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते और ओवरऑल सारे लोगों को है ना जो मिनिमम नॉलेज चाहिए होता है वो सभी लोगों को मिलता यहाँ हमसे गलती हो गई मास एजुकेशन पे फोकस नहीं किया कुछ ही लोगों को एजुकेशन देता देते रहे जैसे ब्रिटिशर्स डाउन फिल्ट्रेशन वाली जो टेक्निक अपना रहे थे वही टेक्निक इंडिया ने भी अपनाई क्यों क्यों किया ऐसा इतना पैसा नहीं था यार इतना रिसोर्सेज नहीं थे इंडस्ट्री को डेवलप करें कि एजुकेशन को डेवलप करें कि हेल्थ को डेवलप करें इतना ज़्यादा कंट्री के पास पैसा नहीं था ऑप्शनस लिमिटेड थे इसलिए इंडिया ने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया एजुकेशन सोशल सेक्टर पे कम फोकस किया और उसके कारण ये सारी चीजें इंडिया को फेस करनी पड़ी है इसके अलावा जो कल्चर डेवलप हो चुका है हमारे यहाँ कि कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशन को हम जो है खराब समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग ये सारी चीजों को हम जो है अच्छा नहीं समझते इसलिए तो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं आ रही हैं इसलिए लोग मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करना नहीं चाह रहे हैं इसलिए ये स्टेगनेंट है इनोवेशन नहीं हो पा रहा है मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में उसके अलावा हम अंडर वैल्यू करते हैं वोकेशनल स्किल को ये सबसे बड़ा रीजन है जिसमें के कारण मैनुफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है इवन हाई पेइंग जॉब भी है जैसे कि आर्टिशनल नॉलेज है आपके पास जो कि हाई पेइंग जॉब है लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर मैथमेटिक्स में पीएचडी है कोई तो उसको ज़्यादा मानेंगे ये स्किलफुल आदमी है ये ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है तो हमारे यहाँ ये जो कल्चरल जो एटीट्यूड है इसे बदलने की ज़रूरत है ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट बन चुका है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के तो इंडिया को डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है मैनुफैक्चरिंग uh, सेक्टर में और उसके लिए एटीट्यूडनल चेंज करने की ज़रूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि आप लोग जनरली नहीं लिखते ये एथिकल आस्पेक्ट है और ये आप ऐसे में ये सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं बड़े अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के तो ये एटीट्यूडनल चेंज वाली चीज़ें भी आप ज़रूर लिखिए फुल ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा सारी चीजें समझ में आ गई होगी नेक्स्ट आर्टिकल है हाई इन स्काई अ न्यू जेन आई ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और जी एस थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है प्री 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी चांसेस हैं आपको पूछा जा सकता है शुरू करते हैं आर्टिकल प्री के पर्सपेक्टिव से ज़रूर समझेंगे अच्छे से है ना इस बार आ सकता है रिसेंटली नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी ने एक ब्रेक थ्रू जो है अचीव किया है सक्सेसफुली डेवलप किया एक प्रोटोटाइप विच इज़ अ न्यू जनरेशन अनमेंड एरियल व्हीकल एक यू डेवलप किया गया है ये जो यू है ये ऑर्डनरी यू नहीं है इसकी खास बात क्या है ये ग्राउंड से 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है और सिर्फ फ्लाई ही नहीं कर सकता है महीनों तक हवा में रह सकता है इसका मतलब आप समझ रहे हैं एक 20 किलोमीटर मतलब स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर में 17 से 23 किलोमीटर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर की वो यहाँ पर बढ़िया घूम फिर रहा है कौन यू तो ऑब्वियसली ये सर्वेलेंस कर सकता है क्योंकि हाइट ज़्यादा है इसलिए फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा होगा तो आपने दो तीन अगर ऐसे लगा दिए तो बहुत बड़े एरिए में सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की जा सकती है तो इसके आप स्ट्रेटेजिक मायने समझ पा रहे हैं डिफेंस वाले जो मायने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इंडिया बड़े रीजन का अर्थ में क्या कर सकता है सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कर सकता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग बेनिफिट्स हैं आप खुद ही जो है समझ सकते हैं ठीक तो इसको जो है इस इसलिए क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट व्हीकल भी कहा जाता है और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस व्हीकल भी कहा जा रहा है एच ए पी एस और एच ए एल ई ठीक तो ये आपको याद रखना है ये है कुछ नहीं ये है यू ए वी लेकिन इस यू में खास बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड 20 किलोमीटर स्टेटोस्फियर में ये जो है फ़्लाई कर सकता है और इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी प्लस ये महीनों तक हवा में रह सकता है अभी हम देखें तो हमारे ड्रोन की जो बैटरी है वो ज़्यादा समय चलती नहीं है घंटे दो घंटे चार घंटे में वापस नीचे लाना पड़ता है तो आपको हमेशा एक ड्रोन नया वापस भेजना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ जो बैटरीज है वो भी हाई है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम अभी हमें फेस करनी पड़ रही है लेकिन ये यू का जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है अगर ये डेवलप हो जाता है तो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बहुत आसान हो जाएगा इनफैक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी ये बहुत यूजफुल हो सकता है जब भी डिजास्टर सिचुएशन आएगी तो ये मॉनिटरिंग करने में सर्वेलेंस करने में बहुत हेल्प कर सकता है अभी अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है यू का वो लगभग चौंसठ दिन का है ये 64 दिन तक के ज़ेफ़र जो कि एयर बस ने डेवलप किया है ये यूएवी 64 डेज हवा में रह सकता है विदाउट क्रशिंग रिसेंटली ये 64 दिन तक था जब इसको ट्रायल कर रहे थे और उसके बाद ये क्रैश कर गया था जो प्रोटोटाइप है वो किसने डेवलप किया है एन ने यह याद रखना है नेशनल एयर एरोस्पेस लेबोरेटरी जो कि बेंगलोर में बेस्ड है ठीक इनिशियली uh, जो है हमारा फोकस क्या है कम से कम जो है 24 घंटे इसको हवा में रखने का अभी जो हमने किया है साढ़े आठ घंटे जो है हवा में रख पाए हैं 24 घंटे करेंगे और बाय 2027 तक के 90 डेज़ तक के एयर एयर बॉर्न रखने का टारगेट किया जा रहा है ठीक ये एन के टारगेट हैं नेक्स्ट नीड पे बात कर लेते हैं एच की ज़रूरत क्या पड़ी है एच मतलब हाई एल्टीट्यूड सूडो सेटेलाइट जो स्पेशल ड्रोन है उसकी ज़रूरत क्या है यार यू से भी तो ये चीज़ें की जा सकती थी जो नॉर्मल यू हैं जो हम बैटरी से चला रहे हैं या फिर सेटेलाइट भी तो है जो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का काम कर ही रही है तो आखिर एच की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है दोनों में कुछ लिमिटेशंस हैं यू की पहले बात करते हैं दो जो ड्रोन्स होते हैं वो मोस्टली बैटरी पावर्ड होते हैं और हमेशा एयर में नहीं रह सकते इनके कुछ घंटे के बाद इन्हें वापस लाना पड़ता है दोबारा चार्ज करो या बैटरी बदलो उसके बाद ही इसे दोबारा हवा में उड़ाया जा सकता है तो एक जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की बात की जा रही है वो हम नहीं कर सकते या तो आपको बार बार नए नए ड्रोन एक ड्रोन नीचे उतार के दूसरा ड्रोन शिफ्ट करना पड़ेगा और ये बहुत मतलब अननेसेसरली काम है ठीक है इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंटीन्यूसली मॉनिटरिंग इफ़ेक्टिवली नहीं की जा सकती दूसरा क्या इशू है इसके साथ ड्रोन के साथ चूँकि ये लो हाइट पे फ्लाई करते हैं तो जो फील्ड ऑफ व्यू है विजन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है स्मॉलर एरिया में मतलब देख सकते हो आप इस मान लीजिए यहाँ फ्लाई कर रहे हैं तो इसका जो विजन होगा वो इतना होगा और यही चीज़ जो है यहाँ कर रहे हैं तो इसका जो विजन होगा वो इतना होगा तो हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा विज़न को आप कवर कर सकते हैं लो एल्टीट्यूड में कम तो ये इसके साथ क्या है लिमिटेशंस हैं इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एच को डेवलप करना शुरू किया है दूसरा जो है सैटेलाइट आप बोल सकते हो कि यार हाइट अगर दिक्कत है तो आप सैटेलाइट को यूज़ करो सैटेलाइट तो बहुत हाइट पे होती है उसका जो है विजन भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है पर जो लो अर्थ सेटेलाइट है उनके साथ प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है अर्थ के साथ तो अगर आपको एक टारगेट एरिया में अगर देखना है तो वह आप नहीं देख सकते ठीक तो आप ये बोलोगे कि फिर आप जियो स्टेशनरी सेटेलाइट यूज़ कर लो वो तो स्टेगनेंट होती है वो तो ऐसे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर अर्थ के एरिया को ही देख रही है टारगेट कर रही है जो कि छत्तीस हज़ार किलोमीटर अबव द ग्राउंड होती है पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यह सिर्फ एक ही एरिया को टारगेट कर सकती है मतलब समझ रहे हो आप एक पर्टिकुलर अर्थ को अलग अलग जगह सर्वेलेंस करना और मॉनिटरिंग करने में इतनी सारी सैटेलाइट लगा रहे हैं इतना कॉस्ट बढ़ रही है अलग जगह ड्रोन लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इशू है उसके बाद रिजोल्यूशन का भी इशू आता है इनके साथ जितने ऊपर रहेंगे रिजोल्यूशन उतना कम रहेगा ठीक तो ऐसा नहीं है इमेज रिजोल्यूशन अच्छा हो रहा है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है लेकिन अगर कोई चीज नीचे से कैप्चर की जा रही है तो ऑब्वियस है कि मतलब तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से कैप्चर नहीं की जा रही तो ऑब्वियस है कि उसका रिजोल्यूशन बेहतर होगा आप जियो स्टेस छत्तीस किलोमीटर से अगर ऑब्जर्व करोगे तो रिजोल्यूशन तो कम आए गई तो अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो सकती तो रीपर्पज और री इसमें नहीं हो सकता जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है इसलिए ये सारे लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एच को डेवलप किया है ये इस्टेटो इस्टेटोस्फेरिक व्हीकल हैं 20 किलोमीटर अब द ग्राउंड जो है ये क्या करेंगे फ्लाई करेंगे और बाकी जो यू ए वी हैं इस उनसे इसकी स्पीड भी थोड़ी कम होगी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेंगे इसका मतलब है जो ग्राउंड के ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए स्टेगनेंट रहेंगे तो आ, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है अगर वो ज़्यादा मूव भी कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जा सकता है मॉनिटरिंग की, की जा सकती है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा सकती है इनफैक्ट ये जो है आ, कितने एरिए पे का, आई रख सकते हैं टू हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया पे जो है अपनी नज़र रख सकते हैं और रिजोल्यूशन भी फाइव मीटर तक का रिजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं अगर फोर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं और हाई रिजोल्यूशन कितना हो सकता है पंद्रह सेंटीमीटर तक समझ रहे हो इतना रिजोल्यूशन क्लियरली आपको चीज़ें दिखाई देगी तो जियो स्टेशनरी में जो लिमिटेशन थी लो अर्थ ऑर्बिट वाली सेटेलाइट में जो लिमिटेशन थी जो नॉर्मल ड्रोन थे लिमिटेशन थी उन सारी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एच व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है इसको हम कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं लोकेशन बदल सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेक्सीबिलिटी है लेकिन इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ रहा है नहीं तो अभी तक डेवलप नहीं कर लेते सबसे पहले तो जब तक सोलर सेल्स नहीं थी तब तक के ये पॉसिबल नहीं था उसके बाद हमें बैटरी और सोलर सेल को कंपोजिट मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा कंपोजिट स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो है हम डे में तो सोलर सेल से काम चल जाएगा सोलर एनर्जी से काम चल जाएगा लेकिन नाइट के लिए तो हमें बैटरी लगेगी और बैटरी एफिशिएंट होना चाहिए जल्दी ड्रेन नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारे चैलेंजेस होने के कारण ही तो एच अभी तक डेवलप नहीं हुआ है ठीक तो ये फर्स्ट चैलेंज हो जाएगा दूसरा क्या है कि यार ये जो अपन ड्रोन की बात कर रहे हैं ये एक्सट्रीमली लाइट होना चाहिए अगर इसका वेट बहुत ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा लगेगी पावर बहुत ज़्यादा लगेगा और अपने पास पावर है नहीं क्योंकि हमें लंबे समय तक रखना है ऊपर ठीक पावर इतनी ज़्यादा हम यूज नहीं कर पा रहे हैं पावर एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है इसलिए इसका वेट कम होना चाहिए लेकिन वेट इतना जरूर होना चाहिए कि ये स्टेबल रह भी पाए 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कितना ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें झेल पाए इसलिए वेट भी आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि स्टेबल रहे तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास हमारे साथ में इसलिए हमें डेवलप करने में इतनी दिक्कत आ रही है हमें ही नहीं पूरी दुनिया को आ रही है ठीक इसलिए तो इसे 17 से 23 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में जो है इसे क्या किया जा रहा है फ्लाई करने का जा रहा है वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस कम हो जाते हैं जैसे कि वहाँ पर विंड स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर स्टेटोस्फेरिक रीजन में ज्यादा बेनिफिट यह है कि ये सिविलियन एरोप्लेन्स भी यहाँ पर नहीं उड़ते इससे नीचे उड़ते हैं तो सर्वेलेंस के लिए भी बढ़िया रहेगा है ना और जनरली स्टेटिक रीजन काम रीजन होता है है ना यहाँ पर ज्यादा एटमोस्फेरिक एयर नहीं है ये सारी चीज़ें नहीं होती है इसलिए जो है स्टेटोस्फेक रीजन को चूज़ किया गया है लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी ये सारे हमें देखने को मिल रहे हैं रिजोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिजोल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए भी काम किया जा रहा है तो ये चैलेंजेस के कारण जो है हमें टाइम लगेगा इंडिया को ये सारी चीज़ें डेवलप करने में इवन वर्ल्ड को भी लग रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में जो है बनाया ज़रूर जा रहा है एयरबस का मैंने एग्जांपल दिया लेकिन आ, इंडिया भी पीछे नहीं यार फ्रंट रनर है हम कैच नहीं कर रहे हैं लीडर भी नहीं है लेकिन कहीं बीच में हैं और इंडिया जो है बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी भी इसमें मास्टरी कर लेगा होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट आर्टिकल है एम एस पी इशू वार्ड गवर्नमेंट कमिटी सेटअप इन दो हज़ार बाईस हैज़ डन सो फार ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और प्रिलम्स के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है मेन्स के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है जी एस थ्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड इशू में एमएसपी से रिलेटेड इशू में लगातार आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें आप इस कमेटी का जिक्र कर सकते हैं इनकी रिकमेंडेशन जो आएगी ये इम्पॉर्टेंट होगी इसका आप जो है अपने वे फॉरवर्ड या सजेशन या सोल्यूशन में यूज़ करेंगे आंसर्स में कमेटी कब बनाई गई थी 2022 में हम जानते हैं एजिटेशन कब शुरू हुआ था 2021 में पेंडेमिक के समय में लगभग एक डेढ़ साल तक ये बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था यार बहुत ही लंबा लेकिन ये प्रोटेस्ट कहीं टू सम सक्सेसफुल रहा था जो मेजर रीजन था वो थ्री लॉस थे जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने के लिए लाए गए थे इसे सरकार को वापस लेना पड़ा रिपील करना पड़ा उसके बाद सरकार ने और भी डिमांड्स थी इनकी उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी वो कमेटी क्यों बनाई गई थी वो कमेटी बनाई गई थी टू प्रमोट ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग टू चेंज क्रॉप पैटर्न कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंट्री एंड टू मेक एम एस पी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करेंगे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कैसे किया जाए जो इंडिया की जो नीड है उसके हिसाब से हमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है और एम एस पी को और इफ़ेक्टिव ट्रांसपेरेंट और अच्छा कैसे बनाना है कमिटी जो है बनाई गई थी दो हज़ार बाईस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी नोटिफाई की गई थी और उसमें 26 मेंबर थे जो हेड कौन कर रहा था संजय अग्रवाल जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं ये नाम याद रखना है संजय अग्रवाल कमेटी ठीक है जो कि एमएसपी की, की कमेटी थी और ये आपको डायरेक्टली प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है छब्बीस मेंबर थे अदर मेंबर कौन कौन थे नीति आयोग से कुछ लोग थे इसके अलावा फाइव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन भी थे ठीक है जो Uh, संयुक्त तो किसान मोर्चा है उसके भी कुछ मेंबर्स थे उसके अलावा सेक्रेटरीज़ वग़ैरह थे ठीक तो टोटल 26 मेंबर इसमें थे जो फार्मर रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग लेवल पर था इसमें जो एस के एम है उसके मेंबर थे और ये लोग हेजिटेशन नहीं कर रहे हैं कल ही हमने बात की थी एस के एम का जो नॉन पॉलिटिकल फैक्शन है वो कर रहा है एजुटेशन जो पॉलिटिकल फैक्शन था एस के एम का वो नहीं कर रहा है वो इस कमिटी का पार्ट है जो करेंटली जो एजुटेशन हो रहा है वो कौन लाइट कर रहा है किसान मज मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ठीक है तो ये जो है बेसिकली कमेटी के बारे में हो गया इतना बस आपको पता होना था बाकी आप मैंडेट तो जानते हैं नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना इसमें एम को के लिए लॉ को लाने का कोई मैंडेट नहीं है ठीक है मतलब कमेटी को टर्म ऑफ रेफरेंस में ये नहीं पूछा गया है कि एमएसपी को लॉ के थ्रू लाया जाए या ना लाया जाए जो कि जो फार्मर हैं उनकी एक डिमांड है ठीक है मतलब उसमें लॉ बैकिंग करने की बात की जा रही है एजिटेशंस जो किए जा रहे हैं उसमें जो डिमांड की जा रही है फार्मर की उसमें यह बोला जा रहा है कि एम को के लिए लॉ को लाना ज़रूरी है ठीक लेकिन कमेटी को ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं देने के लिए कहा गया है उनके टर्म ऑफ रेफरेंस में ये सारी चीज़ें नहीं है ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं अभी रिसेंटली ट्रम्प जो है अपना इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं और थोड़े से पोलराइज्ड फिगर हैं है ना जब भी स्पीच देते हैं तो पोलराइजेशन ज़रूर होता है रिसेंटली उन्होंने कुछ कहा है नाटो को लेकर के जिसके कारण फिर से थोड़ा सा आ, एक कंट्रोवर्सी से क्रिएट हो गई है न्यूज़ क्रिएट हो गई है नाटो के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ लेते हैं नाटो से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछी जा सकती है तो ट्रंप ने पहली बात तो क्या कहा नाटो फंडिंग से रिलेटेड आर्टिकल फ़ाइव क्या है आर्टिकल फ़ाइव इन न्यूज़ ऐसे करके फ्रिलिम्स में आ सकता है पहले तो नाटो के बारे में जान लो नाटो का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म याद रखना छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है 1949 में जो है ये फाउंड किया गया था टू काउंटर द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलाइंस डेवलप किया गया था कंट्रीज़ के द्वारा इसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ है वो कहाँ की है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप नॉर्थ अमेरिका से कौन सी कंट्री है कनाडा एंड यूएस और बाकी जो मेंबर हैं वो यूरोप के हैं अभी करेंटली कितने मेंबर हैं थर्टी वन मेजोरिटी मेम्बर यूरोपियन नेशन है यूएस है कनाडा है यू मेंबर कौन सा है फिनलैंड और अभी स्वीडन भी जो है इसमें जुड़ने वाला है अगर आपको याद होगा तो यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन करने वाला था और आप समझ रहे हो नाटो को ज्वाइन करना मतलब रशिया के बाजू में नेबर में यूएस बैठा है ऐसा होने दे सकता है क्या रशिया ने बहुत बार जो है आ, ये आ, बोला भी था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा यूएस जो एक्सपांशन कर रहा है नाटो का वो ईस्टर्न यूरोपियन साइड में नहीं करेगा और इसी कारण से उसने क्रीमिया पे अटैक किया था क्रीमिया को उसने लिया और दूसरा यूक्रेन का जो इन्वेजन है उसका रीज़न भी यही बताया जा रहा है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ट्रम्प का क्या कहना है ठीक ट्रम्प काम कैंपेन कर रहे हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के और अभी कैंपेन कर रहे हैं तो पोलराइजेशन एकदम पीक पे है है हम जानते हैं ट्रम्प की स्पीच जो है अंदर का शैतान जगाने वाली होती है ठीक तो उन्होंने कहा है कि ये जो नाटो आ, के बारे में कहा है कि नाटो कोई काम का नहीं है यूएस सबका डिफेंस का पैसा दे रहा है ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री है इनके डिफेंस के लिए हम पैसे क्यों दें यूएस क्यों खर्चा करें नाटो को ख़त्म कर देना चाहिए या तो ये खुद के पैसे दें नाटो को चलाने के लिए खुद का डिफेंस खुद करें यूएस क्यों करेगा ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कही जा रही है ट्रंप के द्वारा ठीक है तो उसने एक्यूज़ किया है फॉर एग्जांपल जर्मनी को कि ये अपना डिफेंस खुद क्यों नहीं कर लेते इतना ज़्यादा पैसा तो है इनके पास ठीक तो इसमें कितनी सच्चाई यार ऐसी चीज़ों में कुछ सच नहीं होता ये सारी चीज़ें पोलराइजेशन के लिए कही जाती है ठीक नाटो कोई ऐसा अलायंस नहीं है कि उसमें क्लब मेंबरशिप फीस लग रही हो इतने पैसे लाओ और नाटो ज्वाइन करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये एक मिलिट्री अलायंस है इसका मतलब क्या है इसको बनाने का होल पर्पस क्या था सोवियत यूनियन को क्या करना सोवियत यूनियन को काउंटर करना उस समय अगर रशिया किसी भी कंट्री पे अटैक करता है जो कि नाटो का मेंबर है बाकी सारी कंट्री रशिया पे अटैक करेगी ये इसका बेसिस था यही इसका जो है मेन फाउंडिंग प्रिंसिपल है ठीक इसी को आर्टिकल फाइव में भी इंक्लूड किया गया है तो ये सारी चीज़ें है ना इसका बेसिस था और इसकी जो फंडिंग होती है वो कॉमन फंड के द्वारा की जाती है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन इसकी अगर अब स्ट्रेंथ की बात करें तो वो कहाँ से आती है वो कंट्रीज के ओन डिफेंस स्पेंडिंग से आती है सारी कंट्रीज जो भी इक्विपमेंट जो आर्म्स बाय करते हैं उसी को नाटो फोर्सेस यूज करती है फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है तो रफाल कौन यूज़ करेगा नाटो फोर्सेज यूज़ करेगी जर्मनी के जो आम इक्विपमेंट होंगे वो भी नाटो फोर्सेज यूज़ करेगी तो इनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग होती है नेशनल उसी को नाटो इस्तेमाल करता है और वही उसकी स्ट्रेंथ भी होती है हालांकि नाटो मेम्बर को आ, मतलब ये रूल्स में लिखा गया है कि उन्हें कम से कम दो ऑफ जी क्या करना है डिफेंस में खर्चा करना है मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री ये नहीं की है पिछले साल में ठीक है तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हो सकती है आर्टिकल फाइव क्या है यही जो है इसका फाउंडिंग प्रिंसिपल है इसमें यही कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी आम अटैक करता है नाटो मेंबर पे, तो कुछ कंट्री या सारी कंट्री उस पर अटैक कर सकती है लेकिन इसमें एक और चीज़ कही गई है कि जैसे ही अटैक होता है इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक मिलिट्री रिस्पांस किया जाएगा ये जो रिस्पांस होगा वो पॉलिटिकल लीडर डिसाइड करेंगे कैसा होने वाला है है ना जैसे यूक्रेन में ऐसा नहीं हो गया कि सारे के सारे जो है यूएस की फोर्स जो है उतर आई है या फिर जर्मनी की फोर्स उतर आई है इन लोगों का रिस्पॉन्स क्या है हम रशिया को सपोर्ट करेंगे इक्विपमेंट दे देते दे हैं कुछ पैसे वैसे दे देते दे हैं जिससे ये अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करें इनको ट्रेनिंग दे देते दे हैं पर डायरेक्टली अटैक कोई नहीं कर रहा है वॉर में ठीक है तो यही सारी चीज़ें जो है इसके आर्टिकल फाइव में दी हुई है होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल फाइव भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्या है ठीक या फिर आर्टिकल फाइव नहीं भी पूछेगा तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आर्टिकल फाइव डायरेक्टली आपको कमिट नहीं करता है ऑटोमेटिक मिलिट्री रिस्पांस के लिए अगर नाटो कंट्री पे अटैक होता है ऑटोमेटिकली मिलिट्री रिस्पांस नहीं होगा ये याद रखना है ये हंड्रेड परसेंट एक ना एक ऑप्शन में आएगा अगर नाटो पे क्वेश्चन आता है तो होपफफली यह आर्टिकल आपको क्लियर है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे